और अब बड़ी खबर जयपुर ग्रेटर निगम से आ रही है, जहां मानसरोवर जोन में दिखाई देंगे अब इलेक्ट्रिक हूपर। आपको बता दें इलेक्ट्रिक हूपर देखेंगे हमें इन इलाकों में, 10 से 15 जुलाई तक इनकी शुरुआत हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक हूपर कचरा उठाते हुए दिखेंगे आपको, इलेक्ट्रिक हूपर चलाने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और बहुत सख्ती से इन नए हूपरों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। आपको बता दें वार्ड में नहीं जाने पर पेनल्टी का प्रावधान भी रखा गया है और एक बार फिर 600 किलो तक कचरा परिवहन सक्षम ई हूपर से इकट्ठा कर सकेंगे। ई हूपर से शहर के प्रदूषण में भी कमी आएगी। निगम की ओर से चार्जिंग के लिए 50 पॉइंट्स भी बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें ई हूपर्स को चार्ज करने के लिए 50 चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, 50 पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं और आमजन भी अपनी वाहन की चार्जिंग कर सकेंगे इन पॉइंट्स के ऊपर। का टेंडर हो गया था और पहले तो हमारा 1 जुलाई से था, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा, लगभग 10 से 15 दिवस बाद में हम इलेक्ट्रिक ऊपर मानसरोवर जोन के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो हमारी यही योजना है कि जो निगम ने जो ठेका दिया है जो संवेदक को, वो चार्जिंग पॉइंट बनाएगा, लाइट का बिल भी उसी के द्वारा वहन किया जाएगा, फिर उसके बाद पब्लिक के लिए योजना बनाएंगे। अभी कोई रेट तय नहीं की गई, पहले तो हमारा है कि वो 63 वाहन जो देगा उनके लिए हम बना रहे हैं, उनके लिए चार्जिंग पॉइंट सेटअप करेंगे, उसके बाद फिर निगम तय करेगा क्या चार्जिंग की तरह रहेगी जिस पर आम लोग भी वाहन। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी निरंजन जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। निरंजन, एक अच्छी पहल है प्रदूषण को रोकने के लिए, कचरा उठाने के लिए, क्या है जानकारी? जी शालिनी, जो है जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और अगले वीक जो है ऊपर हमको दिखाई देंगे मानसरोवर जोन में, और मानसरोवर जोन में जो है डीसी का कहना है, मानसरोवर जोन के जो उपायुक्त हैं मुकेश चौधरी, उनका कहना है कि 2 वीक के अंदर जो है यहाँ पर कचरा उठाने के लिए जो है अब ई व्हीकल जो है ई हूपर जो है शुरू किए जाएंगे। ये जो हूपर है इनमें प्रत्येक हूपर में 600 किलो तक जो है कचरा संग्रहण किया जा सकेगा। इसके अलावा ये 21 वार्डों में हूपर लगाए गए हैं जिनकी संख्या है 63 हूपर है। इनको 10 से 15 जुलाई तक का इन्होंने समय दिया है, 10 से 15 जुलाई तक इनको है शुरू किया जाएगा। मैम सबसे बढ़िया, शालिनी मैम सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जो है ये कचरा संग्रहण के साथ में जो पॉल्यूशन जो इफेक्ट फैल रहा बिल्कुल वो पॉल्यूशन कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। पॉल्यूशन कम होते ही जो प्रदूषण की एक समस्या राजधानी के अंदर आए दिन पनप रही थी वो उस पर एक लगाम लगेगी। जी, और निरंजन इनके साथ में इनके ऊपर पेनल्टी का भी प्रावधान रखा गया है, तो अगर देखा जाता है कि काम चोरी की जा रही है या कोई वार्ड छूट रहा है तो इनके ऊपर भी सख्ती से मॉनिटरिंग हो रही है? जी शालिनी, इसकी मॉनिटरिंग के लिए जो है लोग लगाए जाएंगे, ऊपर की डेली मॉनिटरिंग की जाएगी और अगर कोई ऊपर है जो इसकी शिकायत आती है तो उस पर पेनल्टी का भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है कि अगर कोई ऊपर समय से वार्ड में कचरा उठाने के लिए नहीं जाता है या फिर अपनी मनमानी करता है तो उस पर जो है पेनल्टी का भी चार्ज। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं शहर को और स्वच्छ बनाने में और सुंदर बनाने में इसका जरूर से योगदान रहेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन। तो ये थे हमारे सहयोगी निरंजन जिन्होंने बताया कि किस तरह से शहर को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए और हाईटेक बनाने के लिए ई हूपर अब कचरा उठाएंगे और इनकी सख्त मॉनिटरिंग भी की जाएगी और यदि ये अपने काम में कोई कोताही बरतेंगे तो इसके ऊपर चालान प्रक्रिया जो है इनके ऊपर पेनल्टी का प्रावधान भी लगाया गया है।